Indian Traveller. करीब ट्रैवल किए 4 घंटा, लगभग 90-100 किलोमीटर दूर है ये, यहाँ पर आए हैं गोकुलाम पार्क। आइए मैं आपको बताता हूँ, ये है होटल मेरे पीछे, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा पार्किंग एरिया है, टेम्पररी, इनका एक परमानेंट पार्किंग एरिया भी है, और ये पूरा होटल है। ये होटल जो है ऊपर 3 फ्लोर है और नीचे 6 फ्लोर है, तो आप देख सकते हैं अभी हम लोग बेसमेंट पे है। जैसे ही आप अंदर जाओगे तो अगर आपको नीचे के फ्लोर मिलते हैं तो वो आपको नीचे लेके जाएंगे, और यानी बेसमेंट में लेके जाएंगे, और ऊपर के टॉप फ्लोर जो है वो 3 फ्लोर यानी 7, 8, 9 फ्लोर जो है वो टॉप फ्लोर पे है। तो आइए देखते हैं, और ये भी इनका कुछ एरिया जो है बन रहा है गोकुलाम पार्क का, मे बी कोई रेस्टोरेंट और समथिंग। ओके, आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ, होटल दिखाता हूँ होटल कैसा है, ठीक है, ताकि आपको अगर आना हो तो आप यहाँ पे कैसे आ सकते हो और कैसा लगेगा। सो यहाँ से आपको एंट्री लेनी है, दिस इज योर एंट्रेंस, ये आपका लगेज एरिया है यहाँ पे, उसके बाद में ये आपका रिसेप्शन है। हेलो मैडम, दिस इज योर वेटिंग एरिया, यहाँ पे आपको अंदर जाना है, दिस इज लिटिल शॉप और समथिंग, और यहाँ से भी आप बाहर जा सकते हैं। सो ये एग्जिट गेट जैसा हो गया, और दिस इज योर वेटिंग एरिया, यहाँ से व्यू बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। सो आई शो यू द व्यू, really beautiful. So ये पूरा इनका वेटिंग एरिया है। So ये कैफे की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। कैफे का व्यू है वो भी बहुत ही प्यारा व्यू है। सो ऑब्वियसली आप कुछ यहाँ पे कैफे में ऑर्डर करके सुकून से यहाँ पे बैठ सकते हैं और इस व्यू का मजा ले सकते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाइट वाइट, ये नथिंग बट क्लाउड्स। सो यहाँ पे भी एक लिफ्ट है इनकी, शायद ये प्राइवेट सर्विस लिफ्ट होगी। और यहाँ पे ये आ गया लिफ्ट। फ्लोर का लॉबी कुछ इस तरीके का है। सो ये है हमारा फ्लोर 6.05। टूवर्ड्स बाटूबट्टे डैम की तरफ जब आप जाओगे तो आपको रास्ते में एक बहुत ही अच्छा सेल्फी पॉइंट आएगा, यानी आप यहाँ पे बहुत ही अच्छा फोटो पॉइंट है, आप बहुत ही अच्छी फोटोज़ ले सकते हैं। मैंने भी कई बहुत सारी फ़ोटोज़ ली है अपनी वाइफ के साथ, और आप देख सकते हैं पीछे नज़ारे, खाली फ़ोटोज़ लेने हैं आपको यहाँ पर खड़े होकर के, और बहुत ही प्यारे प्यारे फ़ोटोज़ आने वाले, तो आप यहाँ पर आइए और फ़ोटोज़ लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, तो हम निकले हैं मातूपट्टा रोड की तरफ, और मातूपट्टा रोड की तरफ जाते टाइम आपको मिलेगा एक रोज़ गार्डन, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ वो रोज़ गार्डन कैसा रहेगा। उसी के पहले आपको इसी रोड पर आपको साइड में जो स्टॉल दिख जाएंगे वहाँ पे आप जो है बहुत सारे स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं, मैगी वगैरह यहाँ पे मिल जाता है, उसके साथ में ऑमलेट वगैरह, या फिर अगर आपको कुछ टॉयज़ वगैरह ख़रीदना है और अगर आपको कुछ फ्रूट्स खाना है तो वो भी मिल जाता है। तो ये रोड पर आप ये थोड़ा कुछ इन्जॉय करके आगे बढ़ सकते हैं डैम की तरफ जो हम जा रहे हैं। सो ये है रोज़ गार्डन, आप देख सकते हैं यहाँ पे रोज़ गार्डन के एंट्री फ़ीस वगैरह लिखी हुई है,
₹50 जो है एंट्री फीस है, और अंदर सारे रोज की जो है आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ रोजेस मिल जाएंगे देखने को। सो फाइनली आई रीच मतुपट्टा डैम। मतुपट्टा डैम जो है वो ये मेरे पीछे है, आप देख सकते हैं, और उसके ही आप राइट साइड में देखोगे तो राइट साइड में बेसिकली आपको नीचे जाना है जहाँ पे पानी की बोटिंग वगैरह होती है, वहाँ पे जा सकते हैं। और उसी के साथ में अगर आप लेफ्ट में देखेंगे तो ये पूरा डैम का ब्रिज वगैरह बनाया हुआ है, ठीक है, और यही जो है यहाँ से ही डैम वगैरह खुलता है। और आप देखोगे वहाँ पर तो दैट एरिया बेसिकली वहाँ पर आपको जो है डैम के अंदर पूरा ऐसा दिखेगा। और ये जो है ये डैम है, सो अभी हम जा रहे हैं नीचे, ठीक है, डैम का पानी जमा है, इसमें बोटिंग वगैरह भी होता है, तो आइए चलो देखते हैं बोटिंग वगैरह कैसा होता है, क्या है प्राइस एंड ऑल, विल टेल यू। सो गाइस मतुपट्टे बोटिंग पॉइंट पे यहाँ पे अगर आपको बोटिंग करना है तो पैडल बोटिंग का प्राइस है ₹400, जहाँ पे आप 20 मिनट्स के लिए बोटिंग कर सकते हो, और साथ ही में अगर आपको कायाकिंग करना है तो उसकी भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे आपको 20 मिनट्स के लिए अगेन ₹400 देना होगा फॉर कायाकिंग एज वेल। तो आप कायाकिंग भी कर सकते हैं, बोटिंग भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे बोटिंग और कायाकिंग हो रही है। और हम जो है बोटिंग या कायाकिंग तेकड़ी में करने वाले हैं, तो हम आपको तेकड़ी का जब वीडियो बनाएंगे तब आपको ज़रूर वो शेयर करेंगे। तो वहाँ से निकल के आ गए हैं यहाँ पे इको पॉइंट पे, जहाँ पे कायाकिंग अवेलेबल है। कायाकिंग हमने यहाँ पे इसलिए की क्योंकि यहाँ पे 30 मिनट से कायाकिंग की और हमारा प्राइस लगता है सिर्फ ₹400। वहाँ पे इसके पहले मतुपट्टा जो पॉइंट था वहाँ पे कायाकिंग 20 मिनट्स थी और वहाँ पे भी ₹400 ही था, पर यहाँ पे इको पॉइंट में हम आए थे देखने को कि आवाज़ कैसे गूंजती है, तो हम यहाँ पर आकर के कायाकिंग भी कर ली है और बहुत ही अलग ही मज़ा, यूनिक मज़ा आ रहा है यहाँ पे कायाकिंग करने का। सो फ्रेंड्स ये एक रिपल टी पॉइंट है, यहाँ पर आकर के भी आप वीडियोज़ वगैरह निकाल सकते हैं, फोटोज़ वगैरह निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी बहुत ही प्यारा व्यू आता है। और साथ ही में यहाँ पे इनकी जो है फैक्ट्री रिपल की, जो आप विजिट कर सकते हैं, और इनकी फैक्ट्री के अंदर आई डोंट थिंक सो कैमरा अलाउड है, पर आई विल चेक, अगर अलाउड होगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पे वो जो है लकड़ा वगैरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब ट्रेडिशनल मेथड पे यूज़ करके फैक्ट्री के अंदर काम हो रहा है, जो कि जो है लीव हार्वेस्ट जो करके आते हैं उस लीव से वो जो है टी बनाते हैं, और वही टी को उन लोगों ने एक बार स्टॉल भी लगाया कि आपको जो खरीदनी हो खरीद भी सकते हो, और यहाँ पे आकर के एंजॉय कर सकते हो, वीडियोज़ वगैरह बना सकते हो, फोटोज़ वगैरह ले सकते हो। बहुत ही प्यारा व्यू है, स्टनिंग व्यू है, आइए और व्यूज़ यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लीजिए और अपनी फ़ोटोज़ वगैरह को इंस्टा पे डालिए और खूब मजे कीजिए। तो मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री में आपको विजिट करना है, और यहाँ पे आपको क्या बताएंगे, सबसे पहला जैसे ही आप मुन्नार चॉकलेट फैक्ट्री में जाओगे तो आपको पता चलेगा एक वीडियो जहाँ पे वो चॉकलेट कैसे बनती है, उसमें क्या क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे एक एरिया है जहाँ पे वो आपको पूरा बैठ करके बताएंगे, आपको सामने टीवी पे एक स्क्रीन पे एक वीडियो क्लिप चलेगी और उसमें आपको सब कुछ समझाएंगे, साथ ही में आपको पीछे जो है छोटी सी फैक्ट्री बनाई है उसमें आपको सारी डिटेल बताएंगे कि कैसे चॉकलेट बनती है, क्या क्या चीज़ यूज़ होती है वगैरह वगैरह। जैसे ही आप यहाँ से फ्री होते हो फिर आपको अंदर लेके जाके चॉकलेट टेस्ट कराएंगे और आपको जो है वहाँ पे अलग अलग तरह की चॉकलेट देखने मिलेगी। आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या क्या चॉकलेट्स हैं अंदर। इनकी फैक्ट्री का आउटलेट जहाँ पे तरह तरह की चॉकलेट्स, गिफ्ट चॉकलेट्स वगैरह रखी हुई है, तो आप देख सकते हैं लाइन से सारी चॉकलेट्स वगैरह ही रखी है अलग अलग फ्लेवर की, बटर स्कॉच फ्लेवर है, चॉकलेट है, हेजलनट है, साथ ही में कोको फ्रूट्स रखा है, आप देख सकते हैं इसी जिससे चॉकलेट बनती है। और ये सारी जो चॉकलेट्स है इसमें आलमंड है, बादाम, पिस्ता, मैंगो फ्लेवर है वगैरह वगैरह। सो आप यहाँ से चॉकलेट्स जो है ले सकते हैं और आप जो है अपने गिफ्ट कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को। ये इनका रिसेप्शन है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए।